चालू हुए। रेडी? कीबोर्ड क्यों नहीं रहा? नीचे तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था ऐसी एलिमेंट्स पार्टीज बिना पार्टी के, जैसा मैं आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय अनुबंध अधिनियम में कि बिना पार्टीज के, बिना पक्षकारों के आप अनुबंध का निर्माण ही नहीं कर सकते हैं। एजेंसी अनुबंध का भी ये आवश्यक लक्षण है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की नियोक्ता की एजेंट के प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एजेंट की प्रिंसिपल के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। आगे जाके हम इसके कर्तव्यों में और अधिकारों में पढ़ेंगे कि एक एजेंट के अपने नियोक्ता के प्रति क्या अधिकार कर्तव्य होते हैं और नियोक्ता के भी एजेंट के प्रति क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं। म्यूचुअल फेथ रिलेशनशिप, ध्यान रखना कि जब भी आप, चूंकि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, बिना विश्वास आश्रित संबंध के, आपस में बिना म्यूचुअल फेथ रिलेशनशिप के कोई व्यापार की स्थापना नहीं होती है, कोई व्यापार चल ही नहीं सकता है। तो एजेंट और नियोक्ता के मध्य में एक बड़ा ही फेथ रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में होना बहुत जरूरी है। ये कुछ ने संक्षिप्त में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को देखा। अब हम देखें हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, कौन व्यक्ति एक एजेंट नियुक्त कर सकता है। धारा 183 एक सेक्शन 183 है बिजनेस लॉ में कि कोई भी मेजर साउंड माइंड अर्थात वयस्क आयु का व्यक्ति जिसने अपनी 18 इयर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हुआ तो वो, और साउंड मस्तिष्क का व्यक्ति, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, जैसे अपन आप लोगों ने जब भारतीय अनुबंध अधिनियम के लक्षण पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि अनुबंध करने के योग्य पक्षकार कौन है और अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार कौन है। ये दोनों आप पढ़ चुके हैं वहां पर। तो अनुबंध करने के योग्य पक्षकार कौन होते हैं, वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो अनुबंध कर सकते हैं। अर्थात पागल है या दिवालिया है या मानसिक रूप से अगर वो कमजोर है तो ऐसे पक्षकार अवयस्क है तो वो अनुबंध नहीं कर सकते हैं। कई अवयस्क के संदर्भ में आप लोगों ने वहां पर कई एक्सेप्शन पढ़े हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम में। तो एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, एक वयस्क आयु का व्यक्ति और एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। हु मे बी एन एजेंट, अब एजेंट कौन हो सकता है। 184 सेक्शन कहता है कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है किंतु नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी ठहराने के लिए वह वयस्क तथा स्वस्थ मस्तिष्क वाला, वो भी वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो तभी हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो हु मे बी एन एजेंट, एक वयस्क व्यक्ति, एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, वह व्यक्ति एजेंट बन सकता है। कभी कभी पूछ लेते हैं इस कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर एजेंसी, क्या प्रतिफल आवश्यक है। हम अनुबंध के वैध लक्षणों में पढ़ चुके हैं एक अनुबंध के लिए प्रतिफल, उचित प्रतिफल, वैधानिक प्रतिफल आवश्यक है। लेकिन उसमें आपने एक्सेप्शंस भी पढ़े हुए हैं, अपवाद भी पढ़े हुए हैं कि कई बार अनुबंध के निर्माण के लिए बिना प्रतिफल के भी अनुबंध का निर्माण हो जाता है। तो उसमें भी धारा 185 के अनुसार एजेंसी के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। एजेंसी निःशुल्क भी हो सकती है और सशुल्क भी हो सकती है। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एक एजेंसी कितने प्रकार से स्थापित हो सकती है और आगे पढ़ेंगे कि एक एजेंसी किस प्रकार से समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये सिलेबस में आपके कि एजेंसी की स्थापना की कौन कौन सी विधियां हैं, एजेंसी की स्थापना की कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले हम आपको चर्चा करेंगे स्पष्ट अधिकार द्वारा, बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। एजेंसी की स्थापना की प्रथम विधि है कि बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी, स्पष्ट अधिकार द्वारा। एक नियोक्ता, एक प्रधान,
लिखित में स्पष्ट अधिकार दे देता है कि आप हमारे एजेंट रहेंगे। बिल्कुल लिखित अधिकार दे दिया उसको कि आप हमारे एजेंट रहेंगे, तो ये हो गया बिल्कुल स्पष्ट अधिकार द्वारा, बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी द्वारा एजेंसी की स्थापना। ए ने कहा, ए ने बी को अपना लिखित में एजेंट नियुक्त कर दिया, ठीक है, ट्रांजेक्शन करने का उसको अधिकार दे दिया, वह स्पष्ट अधिकार द्वारा बी उसका एजेंट हो जाएगा और ए को और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की यहां पर स्थापना हो जाएगी। गर्भित अधिकार द्वारा बाई इंप्लाइड अथॉरिटी, आप लोगों ने देखा होगा, आप जब फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा है, आप पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसमें फाइनल अकाउंट में एक गर्भित ब्याज होता है, इंप्लाइड इंटरेस्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि अपने आप में अर्जित हो जाता है, स्पष्ट रहता है। गर्भित अधिकार का मतलब होता है कि स्पष्ट नहीं होता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जब उसको कोई अधिकार प्रदत्त हो जाता है तो गर्भित अधिकार होता है। जैसे ए ने बी से, ए की ओर से बी कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई स्पष्ट अधिकार नहीं दिया उसने, बी ने बिल्कुल साइलेंट रहा, वहां पर कुछ नहीं, उसकी ओर से वो काम कर रहा है, उसकी सहमति है, ठीक है, तो ये कहलाएगा गर्भित अधिकार द्वारा एजेंसी की स्थापना। उसने कोई काम किया, उसने विरोध नहीं किया, ठीक है ना, तो स्पष्ट अधिकार ना होके गर्भित अधिकार द्वारा एजेंसी की स्थापना हो जाए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पैनल अकाउंट में आप पढ़ते हैं कि लिखा रहता है 12% लोन बस, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि गर्भित इंटरेस्ट है 12%, ठीक है, 12% ऋण, मतलब जो लोन लिया है वो 12% ब्याज की दर से लिया है, तो इंप्लाइड है वो अपने आप में है कि इंप्लाइड इंटरेस्ट है 12%। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दोनों आपसी व्यवहारों से उसको अधिकार दिए जाते हैं, जिसको कि हम गर्भित अधिकार कहते हैं, ठीक है, तो गर्भित अधिकार के द्वारा एजेंसी की स्थापना हो जाएगी। कभी बाई नेसेसिटी, आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना, कई बार क्या होता है ऐसी, मान लीजिए ए ने बी की ओर से बी ने कुछ काम कर दिया, उस समय बहुत जरूरी था वो काम करना, उस समय बहुत जरूरी था वो काम करना, कोई भी घटना घटित हो सकती थी उस समय, तो यहां पर आवश्यकता थी उस समय उस कार्य को करने की, तो यहां पर आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना भी हो जाती है कभी कभी। बाय रेटिफिकेशन, पुष्टिकरण द्वारा, आपने पहले तो हमें समझे कि पुष्टिकरण क्या चीज होती है। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो सही है या गलत है उसकी कोई ना कोई पुष्टि करता है, जैसे कोई सूचना प्रसारित की जाती है, तो अब वो सूचना सही है कि नहीं कोई अधिकृत एजेंसी द्वारा उसकी पुष्टि करता है कि हाँ भाई ये सही है, ये सूचना जो प्रदान की जा रही है बिल्कुल सही है, तो पुष्टि हो गई इस बात की कि ये सही है, किसी दूसरे पक्षकार ने उसकी पुष्टि की। तो कई बार क्या होता है पुष्टिकरण द्वारा, जैसे हमने देखा स्पष्ट अधिकार द्वारा, गर्भित अधिकार द्वारा, आवश्यकता द्वारा भी एजेंसी, पुष्टिकरण, ये जब ए ने बी को पहले से कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया, कोई बी ने ए की ओर से कोई कार्य कर दिया, पहले उसने अधिकृत अपना काम करने के लिए उसको नियुक्त नहीं किया था, लेकिन बिना नियुक्त किए बी ने ए के लिए कोई कार्य कर दिया, ए ने बाद में उसकी पुष्टि कर दी कि हां इसने जो काम किया है वो मेरी ओर से किया है, ठीक है, तो वहां पुष्टिकरण के द्वारा एजेंसी की स्थापना हो गई। बाय स्टॉपिल और होल्डिंग आउट, गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा, प्रदर्शन द्वारा एजेंसी की स्थापना। मान लीजिए ए बैठा हुआ है व्यक्ति, बी बैठा हुआ है, सी कोई ट्रांजेक्शन के लिए आता है, बी ने ए के लिए सी से कोई ट्रांजेक्शन किया, ये बिल्कुल यहां साइलेंट रहता है, कुछ नहीं कहता है, ठीक है, सी ने बी के द्वारा बताया गया कोई कार्य कर लिया, कोई सौदा कर लिया, ये बिल्कुल साइलेंट रहा जबकि ये उसका मालिक था, तो एक ने प्रदर्शित कर दिया यहां पे, बिल्कुल मौन रह के
उसने रिएक्ट नहीं किया कि आप ये सौदा नहीं कर सकते हैं सी के साथ में, उसने प्रदर्शित किया, उस समय उसने विरोध नहीं किया। तो यहां पर प्रदर्शन द्वारा एजेंसी की स्थापना मानी जाएगी ए और बी के मध्य में। समझ में आ गया कि अगर सी आया, बी ने ए के सामने, ये उसका मालिक है, ए के सामने मान लीजिए उसकी दुकान का माल उसको बेच दिया, ठीक है, जबकि बी अधिकृत नहीं था, ए ने लेकिन मना नहीं किया, तो ए ने अपने प्रदर्शन, अपने व्यवहार के द्वारा ये सिद्ध कर दिया, अपने व्यवहार के द्वारा कि ये हमारा एजेंट है, क्योंकि विरोध नहीं किया उसने, ठीक है। तो यहां प्रदर्शन द्वारा और बी एजेंसी की स्थापना मानी जाएगी, ठीक है। कई बार कुछ लाय ऐसे प्रचलित हो जाते हैं कि आपस में एजेंसी की स्थापना हो जाती है। आप देखें ऑफ एजेंट, एजेंट बहुत कई प्रकार के हैं, विशिष्ट एजेंट, व्यापारिक एजेंट, अव्यापारिक एजेंट। जरूरी नहीं है कि केवल बिजनेस करने के लिए ही एजेंट नियुक्त किया, हम उसको कहेंगे सामान्य बोलचाल की भाषा में ए ने बी को अपना कार्य करने के लिए, व्यापारिक कार्य करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए नियुक्त कर दिया, तो वो जनरल एजेंट की परिभाषा में आ जाता है। स्पेसिफिक एजेंट, स्पेसिफिक एजेंट का मतलब होता है कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए, और कार्य खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए ए ने बी को पर्टिकुलर कर दिया कि आप मेरे मकान सेल कर दें, करवा दें, तो उस समय तक एक विशिष्ट कार्य करने के लिए उसने अपना एजेंट बना दिया उसको कि हमारा मकान बेचने के लिए आपको अधिकृत किया जाता है, मकान उसने बिकवा दिया, लेन देन खत्म हो गया, ठीक है। तो एक विशिष्ट कार्य के लिए उसने अपना एजेंट बनाया था उसको मकान को विक्रय करने के लिए, तो ये विशिष्ट एजेंट कहलाएगा। व्यापारिक एजेंट, जैसा जनरल एजेंट में तो अन्य कार्यों को करने के लिए भी एजेंट नियुक्त कर दिया जाता है, आप लोगों ने आजकल देखा होगा रेलवे टिकट बुक करने के भी एजेंट होते हैं, बस टिकट बुकिंग करने के भी एजेंट होते हैं, है ना, मकान बिकवाने के तो एजेंट होते ही हैं, बस बहुत सारे आप कॉमर्स में पढ़ते होंगे कि किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से हम कार्य करवाते हैं, ठीक है। तो कई नॉन कॉमर्शियल एजेंट भी होते हैं, हमने अपना टिकट की बुकिंग कराने के लिए एजेंट के थ्रू हमने अपनी टिकट बुक कराया, ठीक है। कॉमर्शियल एजेंट व्यापार को चलाने के लिए भी एजेंसी का अनुबंध हो सकता है, जैसा मैंने आपको समझाया। नॉन कॉमर्शियल एजेंट भी हो सकता है जो विभिन्न कार्यों के लिए, आजकल हम थ्रू ब्रोकर, थ्रू एजेंट के थ्रू आजकल हम हर कार्य करने लगे। इवन आप देखते हैं कि हम अपना यदि टूर पैकेज लेते हैं, टूर एजेंट होता है, उनके थ्रू हम अपनी पूरे टूर का बनवाते हैं, पूरा प्रोग्राम उनके थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, तो नॉन कॉमर्शियल एजेंट भी वर्तमान समय में बहुत हो रहा है इसका, जो सर्विसेज देते हैं अपनी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि एजेंट्स ड्यूटीज टूवर्ड्स हिज प्रिंसिपल, और इसमें एजेंट के भी अपने प्रधान के प्रति कर्तव्य होते हैं और अधिकार होते हैं, एजेंट की भी राइट्स और ड्यूटी होते हैं और नियुक्ता के भी होते हैं, ठीक है ना, उसके भी राइट्स ड्यूटी होंगे। तो पहले हम देखते हैं एजेंट्स ड्यूटी टूवर्ड्स हिज प्रिंसिपल। एक एजेंट का अपने नियुक्ता के प्रति क्या अधिकार होते हैं और क्या कर्तव्य होते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी ड्यूटीज देखें। टू कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स डायरेक्शन, आदेशानुसार व्यापार का संचालन करना, एक एजेंट का एक कर्तव्य है कि जैसा उसका नियोक्ता आदेश देता है वैसे वो कार्य करे, यानी कि वो अपने आप अपने अपने आप अपने मन से कोई डिसीजन ले ले। मान लीजिए कि एक व्यापार की प्रथा है, वो वैसे हम आगे पॉइंट में देखेंगे, तो जो उसने आदेश दिया है उस अकॉर्डिंग उसके आदेश के अनुसार, ये प्रथम कर्तव्य है कि जो उसने आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार एजेंट को काम करना चाहिए।
इन एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू कस्टम्स। कई बार क्या होता है, व्यापार में प्रथाएं बहुत चलती हैं। आप लोग फाइनेंशियल अकाउंट में प्रथाएं परंपराएं पढ़ी हैं आप लोगों ने। व्यापार में कुछ व्यापार प्रथाओं के उस पर चलता है, आदेश डायरेक्ट आदेश देने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो प्रथा है जैसे नगद माल बेचना, वो प्रथा उसका शुरू से ही है कि माल को नगद ही बेचते हैं कई लोग, ये प्रथा है। आदेश नहीं दिया उसने, लेकिन उसकी शुरू से ऐसी प्रथा चली आ रही है, ट्रेडिशन है उसका कि हम नगद माल ही बिकता है इस दुकान पे। तो फिर नियुक्त एजेंट का कर्तव्य है कि वो केवल नगद माल बेचे, ये नहीं कि उधार बेचने लगे, क्योंकि व्यापार की परंपरा है, प्रथा है कि इस व्यापार में केवल नगद माल, नगद में ही माल बेचा जाता है। तो फिर यहाँ एजेंट का कर्तव्य हो जाता है कि उस प्रथा के अनुसार वो कार्य करे। उचित सावधानी करना टू कंडक्ट द बिजनेस विथ रीजनेबल केयर स्किल एंड इंटेलिजेंस। मतलब ये है, कई बार क्या होता है कि हर एजेंट का कर्तव्य है कि अगर माल वो इस प्रकार का है जिसमें उचित सावधानी की जरूरत हो, तो मान लीजिए कांच का सामान है वो, तो उसका कर्तव्य है कि उसको सावधानी से उठाए। ठीक है, तो ये हर एजेंट का कर्तव्य है, बड़ी चतुराई से काम करे। कई बार ऐसा होता है कि साहब माल बाहर पड़ा हुआ है, पानी आ गया, तो अब उसकी क्या उसका कर्तव्य बनता है कि उसको प्रॉपरली उसका वो ढक दे उसको, ठीक है ना। तो ये उसको कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं कि खुद सोचना है उसको कि हम बिजनेस में हम नियोक्ता के माल के प्रति हर के प्रति उसका कर्तव्य होता है, तो उचित सावधानी चतुराई तथा परिश्रम से उसको कार्य करना चाहिए। हिसाब रखना तथा उसे प्रस्तुत करना हर एजेंट की ड्यूटी है। आप लोग फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ते हैं, हर एजेंट की ड्यूटी प्रॉपर हिसाब को मेंटेन रखे, और जब नियोक्ता उस हिसाब को मांगे तो उसको प्रस्तुत करे, पूरे अकाउंट्स प्रॉपर वो मेंटेन करे, और जब भी नियोक्ता मांगता है उसको वो प्रस्तुत करे, ये भी उसकी ड्यूटी है। कठिनाई के समय नियोक्ता को सूचित करना, टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टीज। कई बार क्या होता है, खुद ही निर्णय ले लेते हैं एजेंट और फिर नुकसान होता है व्यापार में, ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी डिफिकल्टीज आ जाती है बिजनेस में, तो प्रॉपर समय पर अपने नियोक्ता को वो बताना चाहिए उसको, ठीक है। अगला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी ड्यूटी है, नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने पर्सनल अकाउंट में व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप अपना पर्सनल अकाउंट अलग रखें, बिजनेस का अलग रखें, ये नहीं कि हमारे दो पैरेलल, हम अपना सेल्फ बिजनेस भी कर रहे हैं और एजेंट के रूप में भी कर रहे हैं, और हम अपना एजेंसी एजेंसी वाले बिजनेस को हम खुद के बिजनेस में ला दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल हिसाब में अपने एजेंसी के हिसाब को कभी नहीं मिलाना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। प्राप्त धन को नियोक्ता को वापिस करना, टू पे टू हिज प्रिंसिपल्स ऑल सम रिसीव्ड ऑन हिज बिहाफ। जो भी पैसा रिसीव्ड हुआ है, जो भी धन उसने प्राप्त किया है एजेंसी के अनुबंध के रूप में, उसने विक्रय किया है माल का, जो उसको पैसा प्राप्त हुआ है, उसकी ये ड्यूटी है कि उसको प्रॉपर वे में अपने नियोक्ता को वापस करे, ये उसकी ड्यूटी है। अपने अधिकार का हस्तांतरण नहीं करना चाहिए, नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, ये नहीं कि एजेंट बी बना और सी ने अपना उसको ट्रांसफर कर दिया अपने अधिकारों को, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। प्राप्त सूचना को नियोक्ता के विरुद्ध प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसी सूचना मिल जाती है नियोक्ता को कार्य करते करते, ठीक है, कि उस सूचना से वो नियोक्ता का नुकसान कर सकता है, ऐसा कभी उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि एजेंट और नियोक्ता के बीच में एक विश्वास का संबंध होता है, ठीक है। नियोक्ता की मृत्यु अथवा पागलपन की दशा में उसके हितों की रक्षा करना। कई बार ऐसा होता है व्यापार करते करते उसका नियोक्ता, मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, वो पागल हो जाता है, तो कभी भी उनके हितों की हमेशा उसको रक्षा करना चाहिए। एक एजेंट के लिए नियोक्ता के माल पर कोई विपरीत अधिकार स्थापित नहीं करना चाहिए, नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। ये नहीं कि नियोक्ता ने कि हम बिजनेस को कर रहे हैं, पता चला कि नियोक्ता के बिजनेस पर हमने पूरा का पूरा अधिकार कर लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी विपरीत
अपना नहीं जमाना चाहिए एजेंट के लिए। ये तो एजेंट के कुछ कर्तव्य थे, लेकिन जब कर्तव्य होते हैं तो अधिकार भी होते हैं उसके, ठीक है। तो उसका जो पहला अधिकार है राइट टू रिटेन मनी, अधिकार हमने पहले बताया उसका कर्तव्य कि धन को वापिस करे। लेकिन रोक कब रोक सकता है, तब रोक सकता है कि जब उसका जो विधिवत उसने खर्च किया है, अगर कोई उसने खर्च कर दिया माल को सुरक्षित रखने के लिए, माल को इधर से उधर करने के लिए, तो फिर नियोक्ता का कर्तव्य कि वो उसके खर्चों की भरपाई करे। अगर खर्चों की भरपाई नहीं करता है तो तब तक वो प्राप्त धन को रोक सकता है जब तक उसके खर्चों की वो भरपाई ना कर दे, ठीक है। पारिश्रमिक पाने का अधिकार, जो भी उसका निश्चित रेमुनरेशन तय हुआ है उसका अधिकार है कि वो नियोक्ता से वो प्राप्त करने का अधिकार है। नियोक्ता का एक कर्तव्य है कि उसका विधिवत पारिश्रमिक का भुगतान करे, ठीक है। हानि रक्षा का अधिकार, कई क्या होता है काम करते करते उसकी कोई क्षति हो जाती है एजेंट की, तो नियोक्ता से वो क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकारी है, ठीक है। जो भी उसकी हानि हुई है एक एजेंट की कार्य करते, व्यापार का कार्य करते समय, तो उसका अधिकार है कि वो हानि को की पूर्ति करवाए अपने नियोक्ता से। नियोक्ता की उपेक्षा तथा चतुराई के अभाव में एजेंट का अधिकार, कई बार क्या होता है नियोक्ता का कर्तव्य होता है कि वो हर चीज अपने एजेंट को बताए और उसकी रक्षा करे। अगर उसने रक्षा नहीं की, कुछ उपेक्षा की, कुछ ऐसी बात नहीं बताई जिसको बताना जरूरी था और उसको कोई नुकसान हो जाता है सूचना के अभाव में, तो फिर उस हानि की विधिवत पूर्ति कौन करेगा, नियोक्ता करेगा, ठीक है। निर्धारित समय से पूर्व एजेंसी समाप्त करने पर क्षतिपूर्ति, कई देखिए जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है। उस ड्यूरेशन के पहले ही यदि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है और एजेंट को कोई नुकसान हो जाता है उस ड्यूरेशन के पहले एजेंसी खत्म करने से, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, नियोक्ता करेगा, ठीक है। माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, कभी कभार क्या होता है कि यदि नियोक्ता ने उसके कोई क्षति की पूर्ति नहीं की, कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया, तो तब तक वो माल को मार्ग में भी रोक सकता है, कौन, एजेंट, ठीक है। तो ये एक एजेंट के अपने नियोक्ता के प्रति कुछ अधिकार थे, कुछ कर्तव्य थे, कुछ चीजें आप देख रहे होंगे। उप एजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन निकले आपको आ जाती है। उप एजेंट उसके उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति जो एजेंट बना है अगर अपने कार्य को करवाने के लिए सहायता के लिए कोई दूसरा एजेंट नियुक्त कर लेता है, लेकिन नॉलेज में नियोक्ता के, ठीक है, तो वह उप एजेंट कहलाता है, सब एजेंट कहते हैं। सब्स्टिट्यूट एजेंट वह होता है पैरेलल, जब कोई बड़ा बिजनेस होता है, ठीक है, तो एक अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए कोई मेन एजेंट नहीं होता है तो उसका एक सब्स्टिट्यूट एजेंट नियुक्त कर दिया जाता है। ये सब्स्टिट्यूट एजेंट नियुक्त होता है बाय द प्रिंसिपल, ध्यान रखना। उप एजेंट किसके द्वारा नियुक्त होता है, एजेंट, मुख्य जो एजेंट होता है उसके द्वारा, और सब्स्टिट्यूट एजेंट नियुक्त होता है मालिक के द्वारा, ठीक है। कई बार बनावटी एजेंट भी होता है, जब एजेंसी के, जब हमने एजेंट के आपको प्रकार बताए थे तो उसमें आप लोगों को समझाया था। तो ये आज का हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पर मेरा आज लेक्चर रहा, वैसे काफी बड़ा टॉपिक है। और ध्यान रखिएगा इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है, एजेंसी के अनुबंध किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, एक एजेंट के प्रधान के प्रति क्या कर्तव्य अधिकार हैं, कभी कभी प्रधान के भी एजेंट के प्रति अधिकार और कर्तव्य भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उप एजेंट क्या है, स्थानापन्न एजेंट क्या है, एजेंसी का अनुबंध किन किन तरीकों से स्थापित हो सकता है और एजेंसी किस किस तरीके से समाप्त हो सकती है, वो भी एक मेथड है, चूंकि समय कम है इसलिए वो मैं आपको नहीं बता पाया, लेकिन एजेंसी समाप्ति की भी विधियां होती हैं, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर था मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पे।
आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा है, आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा कुछ है, कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर यदि करें तो बहुत अच्छा होगा। पहला क्वेश्चन है, ये कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एजेंसी की स्थापना की कौन सी रीति है, मतलब इस रीतियों में से कौन सी रीति के द्वारा एजेंसी की स्थापना हो सकती है, स्पष्ट अधिकार द्वारा, प्रदर्शन द्वारा, सभी के द्वारा। पहले जिस जो भी आंसर करे कृपया वो खड़ा हो जाए। बताएं इस प्रश्न का उत्तर। उपरोक्त सभी। कहां पहले खड़े हों आप, कहां से बोल रहे हैं आप, नाम बताएं। समीर वाधवा। हाँ, किस कॉलेज से हैं आप? हमीदिया कॉलेज भोपाल। हाँ चलिए बताइए क्या आंसर है। उपरोक्त सभी। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर इनने किया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न है, उप एजेंट डेडेस के अधीन कार्य करता है, ठीक है, नियुक्ता एजेंट, स्थानापन्न एजेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं, उप एजेंट किसके अधीन कार्य करता है? सर, सर पहले तो आप खड़े हो। यस सर। आप दूसरों को थोड़ा सा उत्तर देने दें, अभी आपने एक दिया और बताएं। हेलो। हाँ, कहाँ से? सर बैतूल से। बैतूल, सर जीएच कॉलेज बैतूल। हाँ, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आरती परदेती है। गुड, बताइए इसका उत्तर। सर इसका उत्तर होगा एजेंट। वेरी गुड, बिल्कुल सही इसने आंसर दिया। उप एजेंट की स्थापना, उप एजेंट किसके अधीन कार्य करता है? मूल एजेंट के अधीन कार्य करता है। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, स्थानापन्न एजेंट डैश 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 के अधीन कार्य करता है, स्थानापन्न एजेंट डैश डैश के अधीन करता है। हेलो सर, होशंगाबाद का स्टैंड, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? होशंगाबाद कॉलेज। हाँ सर, हमीदिया कॉलेज भोपाल। एक मिनट, हमीदिया वाले रुक जाएं। साजापुर कॉलेज मेरी आवाज सुन रहा है? साजापुर कॉलेज, होशंगाबाद कॉलेज, सर नेपानगर से। हाँ नेपानगर, वेरी गुड। हाँ नाम बताएं। नेपानगर कॉलेज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। आपका नाम? कोमल। वेरी गुड, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सर सी, उप एजेंट। स्थानापन्न एजेंट खालिस्तान के अधीन कार्य करता है? नहीं नहीं, नियुक्ता है सर, नियुक्ता। हाँ आप बताएं, नाम बताएं। हेलो सर, नियुक्ता। नहीं नाम तो, आप अपना नाम बताइए ना। समीर खान। कहाँ से? भोपाल, हमीदिया कॉलेज। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया। स्थानापन्न एजेंट, अभी मैंने बताया है ना, नियुक्ता के अधीन कार्य करता है, ठीक है ना। तो कार्य मेरा आज का लेक्चर था, अगर और किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलिए, बहुत बहुत आप सभी के लिए धन्यवाद। Got it.